Hi guys, let's listen a story with me. सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो दोस्त रहा करते थे, राजेश और मोहन। राजेश अपनी माँ और पिता के साथ रहा करता था, तो वही मोहन अपनी बहन और अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वे अक्सर साथ में फिल्म देखने जाया करते थे। कभी कभी तो काम से छुट्टी मिलने पर वे अकेले भी जाया करते थे। सिनेमा घर गांव से बहुत दूर था, क्योंकि गांव बहुत छोटा था। एक दिन राजेश ने गांव के लोगों को फिल्म के बारे में बातें करते हुए सुना। वे फिल्म देखने के बहुत शौकीन थे, इसलिए राजेश ने यह बात मोहन को बताई कि सिनेमा घर में एक अच्छी और नई फिल्म आई है। राजेश और मोहन ने मिलके फिल्म देखने का मन बनाया। उन्होंने कहा, जैसे ही हमें हमारे काम से छुट्टी मिलेगी, हम फिल्म देखने जरूर जाएंगे। काम से छुट्टी मिलने के बाद मोहन दोपहर को राजेश के घर उसे बुलाने जाता है, और फिर वे दोनों फिल्म देखने के लिए गांव के रास्ते निकल पड़ते हैं। छोटे गांव के कारण वहां गाड़ियों की सेवा उपलब्ध नहीं थी, और वे पैदल ही आया जाया करते थे। फिल्म शुरू होने को अभी 2 घंटा बाकी था। वे बातें करते और रास्ते को पार करते। वहीं बीच रास्ते में रास्ता 2 भागों में बटा हुआ था। एक रास्ता जिस पर वे चल रहे थे वो लंबा था, वहीं दूसरा रास्ता जो सिनेमा हॉल के बेहद करीब था, लेकिन वह रास्ता कब्रिस्तान के पास से होकर जाता था। राजेश और मोहन दिन के वक्त उस रास्ते से कई बार आ चुके थे, क्योंकि वह रास्ता गांव पहुंचने का आसान रास्ता भी था। चलते चलते राजेश और मोहन सिनेमा घर को पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि सिनेमा घर के बाहर लाइन लगी पड़ी है। वे टिकट लेकर सिनेमा हॉल के अंदर चले गए। फिल्म देखते देखते कब शाम हो चुकी थी उन्हें पता भी नहीं चला। वे सिनेमा घर से बाहर निकले और पैदल ही अपने घर की तरफ चल दिए। रात के वक्त रास्ता और भी डरावना लग रहा था। राजेश बहुत डरपोक था, पर मोहन बिल्कुल भी डरपोक नहीं था, क्योंकि वह बचपन से ही अपनी माँ और छोटी बहन के साथ अकेला रहा करता था। चलते चलते वह उसी 2 रास्ते पर पहुंच गए। मोहन ने राजेश से कहा कि हमें घर जाने में बहुत देर हो जाएगी, तो हमें इस छोटे रास्ते को ही चुनना चाहिए। लेकिन राजेश ने कहा कि उस रास्ते पर तो कब्रिस्तान है। मैंने लोगों को रात के वक्त के किस्से बताते हुए सुना है। मोहन ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, तुम बस मेरे साथ चलो, और वे उस रास्ते की तरफ चल पड़े। मोहन कहता जा रहा था कि कुछ भी नहीं होगा, तुम बस मेरे साथ चलो, और हम दिन में कई बार इस रास्ते से तो आए ही हैं। चलते चलते वे उस रास्ते पर पहुंच गए जहां वह कब्रिस्तान थी। थोड़ी देर आगे पहुंचते ही रास्ता सुनसान आवाजों के साथ डरावना होता गया। जैसे ही वे थोड़ी दूर पहुंचे, राजेश ने मोहन से कहा कि मैंने अभी वहां कुछ देखा, मुझे लगता है कि वहां कोई भूत है। मोहन ने राजेश की बात को काटते हुए कहा कि वहां पर कुछ भी नहीं है, तुम भ्रमित हो रहे हो। राजेश ने फिर से कहा, मैं सच कह रहा हूँ, तुम भी देखो। वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि वहां सचमुच एक भूत था। वे जल्द से जल्द
वहां से निकल गए। घबराहट और डर के मारे उन्होंने उस रास्ते को बहुत ही जल्दी पार कर लिया। आखिरकार वे अपने गांव पहुंच चुके थे। राजेश बहुत ही डरा हुआ था, इसलिए मोहन ने उसे उसके घर तक छोड़ने का फैसला किया। घर पर पहुंचते ही मोहन ने राजेश के माता पिता को सब कुछ बताया जो उनके साथ हुआ। राजेश को उसके माता पिता के पास छोड़कर मोहन अपने घर की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर उसने अपनी माँ और छोटी बहन को भी अपने साथ हुए किस्से के बारे में बताया। उस दिन के बाद से दूसरे दिन राजेश बीमार रहने लगा। उसके माता पिता उसकी हालत को देखकर चिंतित हो गए थे। मोहन की माँ और मोहन राजेश से मिलने उसके घर को आए। मोहन की माँ ने बताया, हमें इसे किसी बाबा को दिखाना चाहिए। उसके दूसरे दिन उन्होंने एक बाबा को उनके घर पे बुलाया और राजेश की हालत के बारे में बताया। ऐसा कई दिनों तक होता रहा, पर उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। उसकी हालत वैसी की वैसी ही थी। बाबा आते और राजेश को देखकर चले जाते। आखिरकार मोहन को पता चल गया था कि राजेश को क्या हुआ है। मोहन ने राजेश के माता पिता को बताया कि वह डरा हुआ है, इसलिए उस पर कुछ भी असर नहीं कर रहा है, मुझे उससे बात करना पड़ेगा। मोहन ने राजेश को समझाया कि इस तरह से डरकर हम नहीं जी सकते, हमें हर जगह साहसी बनना पड़ेगा। हमें अकेले ही सब कुछ करना होता है, अगर हम ऐसे ही डरते रहे तो हमारा सब काम बंद हो जाएगा। राजेश को मोहन की बात समझ में आ गई और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा, क्योंकि उसके अंदर का डर अब खत्म हो चुका था। राजेश ने मोहन से कहा, तुम मेरे सच्चे और अच्छे मित्र हो। और यह कहानी यहीं पर खत्म होती है।